Maria Montessori also placed a great importance on mathematics. She emphasized mathematics a lot because it developed um, a lot of skills in children in the daily life and also in their academic life. First thing is counting.

न्यूमरेशन जो है या गिनती करना या किसी चीज़ की काउंटिंग जो है वो सीख लेते हैं इस तरह से कि वो डेली रूटीन के अंदर चीज़ों को काउंट करते रहते हैं अपने गिर्द के दीज आर टू पेंसिल्स दीज आर थ्री रबर्स दीज आर फोर एप्पल्स दीज आर सिक्स ऑरेंजेस इस तरह से बच्चे न्यूमरेशन को सीखते रहते हैं सो फोकस्ड ऑन मटीरियल्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटिंग और फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे इंस्टेड ऑफ नंबर्स राइट करने के आई मस्ट बी फोकसिंग ऑन मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जिनके तहत तो उनको सिखाया जा सके और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप कराया जा सके फ्रीडम के साथ सो उन मटेरियल्स के अंदर शी ऑब्जर्व द मेनी अपॉर्चुनिटीज इन डेली लाइफ एंड चिल्ड्रन कुड काउंट ऑब्जेक्ट्स इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट जब बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सी चीज़ें गिनते रहते थे अब पहली चीज़ जो उन्होंने की वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मनी

सेकेंड थिंगज दटीरियल इंटरेस्टिंग देर आर नंबर कार्ड्स एंड सैंड पेपर न्यूमरल्स जीरो से लेकर दस तक ये चीजें जो थी वो इस्तेमाल की गई ताकि बच्चे गिनती को सीख सकें नंबर ऑर्ड्स अब नंबर ऑर्ड्स किस तरह से थी देवर पेंटेड इन रेड एंड ब्लू यानी सुर्ख और नीले रंग में वो पेंट हुई हुई थी उनकी डिविजन्स मयरिंग टेन सेंटीमीटर यानी दस सेंटीमीटर तक फ्रॉम वन टू टेन यानी एक से लेकर दस तक जो रॉड्स थी वो डिफरेंट सेंटीमीटर्स में थी और दो तरह के कलर्स के अंदर मौजूद थी और फिर स्पिंडल बॉक्स द स्पिडल बॉक्स वॉज यूज टू प्लेस द करेक्ट नंबर ऑफ स्पिंडल्स प्लेसड इन कंपार्टमेंट्स जीरो टू नाइन और फिर ज़ीरो टू नाइन ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे जिनके अंदर उनके साइज़ के करेक्ट स्पिंडल्स को डालना था लकड़ी के कुछ छोटे से पीसेस थे जिनको कि उन बोर्ड्स के अंदर आपने फ़िक्स करना था ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि एक से लेके नौ तक साइज और डायमेंशनस क्या हैं और किस तरह से काउंट करना है

और नंबर ऑर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है और इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए सेंड पेपर न्यूमरल्स को यूज किया जाता था यानी जिस तरह ए बी सी डी के हरूफ तहजी थे उसी तरह वन टू थ्री फोर के भी यानी गिनती के भी हरूफ तहजी को इस्तेमाल किया जाता था और फिर डायरेक्टर्स का रोल क्या था यानी वो शख्स जो कि इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है ना कि कंट्रोल कर रहा है उसका रोल क्या है उसका रोल ये था कि देर वर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद नंबर्स इन प्रैक्टिकल वेज़ इन डेली लाइफ दैट इट वॉज ले डायरेक्टर्स टू यूज़ दीज फॉर एडिशन सबस्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिज़न एंड अदर मैथमेटिक्स अब हालात यह, यह हो गए कि चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नंबर्स का होता है तो फिर डायरेक्टर्स के ऊपर ही ये छोड़ दिया गया कि वह अब इन नंबर्स के ज़रिए सबस्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न किस तरह से बच्चों को सिखाती हैं और किस तरह से उन्हें एडवास कॉन्सेप्ट की तरफ भी लेके जाती हैं